नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मुजफ्फरपुर से पुणे जा रही ट्रेन हुई घटने का शिकार। मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, हुई बड़ी दुर्घटना। आखिर ये बड़ी घटना किस रेलवे स्टेशन की है और किसकी लापरवाही से बार बार रेल दुर्घटना हो रही है? क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में ट्रेन हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, बीते दिनों बिहार के बक्सर, किशनगंज और मुजफ्फरपुर जिले में हुई ट्रेन हादसे के बाद एक बार फिर से भारतीय रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर से ट्रेन हादसा हो जाता है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर लाइन के बीच इंजन के कुल 6 चक्के पटरी से उतर जाते हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर इंजन बेपटरी हो जाती है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में एक हफ्ते के भीतर दूसरा ट्रेन हादसा हुआ है। अभी दो दिन पूर्व ही मुजफ्फरपुर के नारायणपुर स्टेशन के कुछ दूरी पहले एक मालगाड़ी के 6 बोगी बेपटरी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मौके पर टीम के पहुंचते ही बेपटरी हुई इंजन को पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। पटरी से उतरी मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का नंबर 05389 है। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से खुलकर जबलपुर और दीनदयाल स्टेशन होते हुए पुणे जाती है। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में अब तक किसी अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन सेटिंग के लिए जा रहा था, तभी यह हादसा हो जाता है और इसी दौरान तीन जोड़ी पहिए पटरी से उतर जाते हैं। इसी महीने 18 सितंबर को मुजफ्फरपुर में एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक बिहार में इस प्रकार की लगातार रेल दुर्घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर में एक हफ्ते में दूसरा रेल हादसा हो जाता है जिसमें मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतर जाता है, लेकिन इस हादसे के दौरान कोई भी यात्री घायल नहीं होते हैं, सभी यात्री सुरक्षित होते हैं। लेकिन लगातार हो रहे इस प्रकार की दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।